कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। श्यामलपुर नाम के गांव में सुहानी नाम की एक लड़की अपने माँ बाप और भाई के साथ रहती थी। गांव के सारे लोग उसके पिता समर सिंह और माता लक्ष्मी देवी का बहुत आदर किया करते थे। उनकी खेती थी और उनका बेटा श्याम खेती में बहुत मेहनत किया करता था, लेकिन वो बहुत घमंडी था। उसे अपने आप पर बहुत गर्व था। उसे लगता था कि वो अकेला ही घर में कमाता है। सुहानी घर में छोटी होने के कारण कुछ नहीं बोलती थी, मगर उससे जितना हो पाए उतना काम किया करती थी, अपने माँ बाप की सेवा करती थी। ऐसे ही एक दिन गांव के कुछ लोग समर सिंह के साथ बातें कर रहे थे। अरे भाई समर सिंह, इतने दिन अपनी बेटी को घर में कवारी बिठा कर रखेगा, उसका ब्याह नहीं करना क्या? अरे करना है ना भाई, बस कोई ढंग का रिश्ता मिल जाए, फिर सुहानी के हाथ पीले करवा दूंगा। हाँ भाई वो भी सही है, फिक्र मत कर, हम है ना, हम ढूंढेंगे तुम्हारे लड़की के लिए रिश्ता। धन्यवाद भाइयों, आप हो तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं। समर सिंह मन ही मन सोचता है, मेरे गांव के लोग कितने अच्छे हैं, मेरी आधी चिंता तो ऐसे ही मिटा दी। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि इस गांव में पैदा हुआ। अब समर सिंह घर पहुंचता है और घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, लक्ष्मी सुनती हो, जरा बाहर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। जी क्या हुआ है, आपने आवाज लगाई, क्या बात है? अरे लक्ष्मी, मैं सोच रहा हूँ कि अपने सुहानी के हाथ पीले कर दूँ, क्या कहती हो? जी आपने सोचा है तो ठीक ही होगा। कुछ दिनों बाद सुहानी के लिए एक अच्छा रिश्ता आता है। सरपंच जी ये बात बताने के लिए समर सिंह के घर जाते हैं। समर सिंह जी, आपकी बेटी सुहानी के लिए मुझे एक अच्छा रिश्ता मिला है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बात आगे बढ़ाऊँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है सरपंच जी, आप रिश्ता लेकर आए हो तो अच्छा ही होगा। तो मैं लड़के वालों को देखने के लिए बुलवा लूँ? हाँ सरपंच जी बुलवा लीजिए, हम कल ही मुंह दिखाई करेंगे। आप लड़के वालों को बोल दीजिएगा, अगले ही दिन मुंह दिखाई का कार्यक्रम होता है। लड़के वालों को सुहानी बहुत पसंद आती है। उन लोगों की हाँ सुनकर समर सिंह अपनी बेटी की शादी करवा देता है। शादी होने के बाद सुहानी अपने ससुराल चली जाती है। उसका स्वभाव देखकर ससुराल वाले बहुत खुश है। सुहानी कुछ ही दिनों में घर के कामों में माहिर बन जाती है, मगर उसकी ये खुशियाँ बहुत दिन तक टिक नहीं पाती। उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आता है। शादी के कुछ दिन बाद ही उसका पति एक हादसे में मारा जाता है। सुहानी के जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। कुछ दिन ससुराल रहने के बाद वो अपने मायके चली आती है, लेकिन उसके भाई श्याम को ये बात पसंद नहीं आती। माँ ये सुहानी हमारे घर कितने दिन रहने वाली है, इसे उसके ससुराल जाना चाहिए। अरे तुम्हें क्या तकलीफ है, इस घर पर जितना हक तुम्हारा है उतना ही सुहानी का भी है, समझे? अच्छा तो इस घर में अब उसका भी हक है, उसके ससुराल में उसका कोई हक नहीं क्या? माँ मेरी वजह से आप लोग झगड़ा मत किया करो, अगर मेरी वजह से घर वालों को तकलीफ हो रही है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। हाँ वही सही होगा, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी, समझी? सुहानी तुम्हारी वजह से हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं हो रही है, अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो वो इस घर से बाहर निकल जाए। कब से मैं ये विवाद सुन रहा हूँ, क्या चल रहा है श्याम, तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हें पता भी है? हाँ पिताजी सब पता है, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, बाकी का आप देख लो, और इस करमजली सुहानी के भाग्य में रोना ही लिखा है, वो रोती रहे मुझे क्या, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ। आप मेरी चिंता मत करो, मैं मेरा देख लूंगी। ऐसा कहकर सुहानी वहां से चली जाती है। कल ही मैं पंचायत बुलवाकर घर के दो बंटवारे करता हूँ, हर रोज का टेंशन तो नहीं रहेगा। वही सही रहेगा। अगले ही दिन समर सिंह पंचायत के कुछ लोगों को और सरपंच जी को घर पे बुलाते हैं। सरपंच जी मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। देखा सरपंच जी कैसे बात करता है। अरे श्याम इस उम्र में घर का बंटवारा अच्छा नहीं लगता, एक बार फिर से सोच लो। सरपंच जी मैं अपना निर्णय ले चुका हूँ, आप घर का बंटवारा कर दीजिए। जिस बेटे को बात करने की तमीज नहीं उससे मैं और क्या अपेक्षा करूँ। सरपंच जी आप बंटवारा कर दीजिए, ये रोज रोज की झिक झिक मुझे नहीं सही जाती। सरपंच जी घर का बंटवारा कर देते हैं और अब श्याम और उसके माता पिता अलग अलग रहने लगे। अब सुहानी खेतों में बहुत मेहनत करने लगी और उसके साथ साथ अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रखने लगी। ये सब देखकर श्याम बहुत जलने लगा था। सुहानी कितना करेगी बेटी हमारे लिए, मैं मेरा कर्तव्य पूरा कर रही हूँ माँ, मुझे आपकी सेवा करके आनंद मिलता है। बेटी तुमने हमारे भाग खोल दिए हैं, तुम्हारी जैसी बेटी मिलने को भी भाग्य लगते हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं, सुहानी अपना काम और अपने माता पिता की सेवा जारी रखती है। इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए पार्ट टू का इंतजार कीजिए। सुहानी अब गांव के खेतों में काम कर खूब मेहनत करने लगी। उसने अपने पूरे घर का जिम्मा अपने सिर पर उठा लिया और अपने माँ पिताजी को पूरा आराम दिया। वे दोनों अब घर पे ही रहने लगे। ऐसे ही एक दिन, अजी
हमारी सुहानी सोना है सोना, जो कितना भी घिसे खरा का खरा रहता है। हम तो सच में बहुत पुण्यवान है। हाँ, तुम सच कह रही हो। आज तक हम समझते थे कि हमारा बेटा शाम ही हमारे घर का दीपक है, हमारे घर का नाम रोशन करेगा, मगर जिसे हमने घर का दीपक समझा था वही घर का भेदी बन गया, और जिस लड़की को हमने कलंक समझा था वो हमारा नाम रोशन कर रही है। हाँ, आप सच कह रहे हो, हमारे सच में भाग खुल गए। चलो हम उसके लिए आज खाना पकाते हैं। आज हम मिलकर खाना बनाएंगे। हाँ, आज हम दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। समर सिंह और लक्ष्मी मिलकर खाना बनाते हैं और सुहानी का इंतजार करने लगते हैं। शाम के समय सुहानी घर पर आती है। घर में खाना तैयार देख वो माँ से कहती है, माँ मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि काम मत किया करो, मैं काम कर लूंगी ना, तुम क्यों तकलीफ उठाती हो? अरे बेटा, इसमें तकलीफ कैसी? अरे दिन भर तुम इतना काम करती हो, हमने इतना सा काम कर लिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? माँ आपने काम किया तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं होते हुए आपको काम करना पड़े मुझे अच्छा नहीं लगता। बस करो, चलो अब खाना खाते हैं, भूख लगी है। सब लोग खाना खा लेते हैं। सुहानी घर के सारे काम खत्म करके सो जाती है। अगले दिन सुबह जल्द ही उठकर वो अपना सारा काम कर लेती है। थोड़ी देर बाद उसके माँ को भी उठा देती है। उसके बाद वो अपने पिताजी को उठाने के लिए उनके पास गई। पिताजी सुबह हो गई है, आपको उठना नहीं है क्या? अरे हाँ, उठना चाहता हूँ, मगर आज बहुत थकान लग रही है, बुखार भी है थोड़ा, आराम कर लेता हूँ। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो हम अस्पताल में चलते हैं। आज आराम करके देखता हूँ, बाद में देखेंगे, तुम जाओ अपने काम पर जाओ। माँ अगर कुछ ज्यादा लगा तो मुझे बुला लेना, अब मैं चलती हूँ। अरे तुम जाओ बेटा, मेरी चिंता मत करो। हाँ बेटी तुम जाओ, मैं हूँ यहाँ पे, अगर कुछ लगा तो बुलावा भेज दूंगी, ठीक है? जी ठीक है, मैं चलती हूँ। सुहानी घर से काम के लिए निकल गई, लेकिन यहाँ समर सिंह का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। लक्ष्मी ने एक बच्चे को सुहानी को घर बुलाने के लिए भेजा। सुहानी दीदी, काका को बहुत तेज बुखार आया है, तुम्हें घर पर बुलाया है। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। ये बात सुनकर सुहानी दौड़ी दौड़ी घर चली आती है। घर आकर अपने पिताजी की हालत देखकर वो वहाँ से सीधे सरपंच जी के पास चली जाती है। सरपंच काका, मुझे आपसे जरा काम है। हाँ बोलो सुहानी बेटी, क्या बात है? काका पिताजी को बहुत तेज बुखार है, आप मेरे साथ घर चलिए, हम उन्हें अच्छे अस्पताल में लेकर जाएंगे। ठीक है चलो बेटी। सरपंच जी सुहानी के साथ उसके घर आते हैं। अरे सुहानी, इनका बदन तो बहुत गर्म है, हमें इन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। सरपंच जी गाँव में फोन करके गाड़ी बुलवा लेते हैं और समर सिंह को अस्पताल लेकर जाते हैं। सुहानी भी उनके साथ चली जाती है। अस्पताल में डॉक्टर समर सिंह को देखते हैं। इनको मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ, उनसे इन्हें आराम पड़ जाएगा, अब आप इन्हें घर पे लेकर जाओ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सुहानी उसके पिताजी और सरपंच जी के साथ घर आती है। सुहानी अपने पिताजी को खाना खिलाकर दवाइयाँ देती है। एक दो दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, मगर समर सिंह पर उन दवाइयों का कोई असर नहीं होता। सुहानी फिर एक बार डॉक्टर को घर बुलाती है। डॉक्टर साहब इनकी तबीयत में सुधार क्यों नहीं आ रहा है? जी इनपे अब दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा, अब आप इन पर ज्यादा खर्चा मत कीजिए, इनकी उम्र हो गई है, इन पर दवाइयों का ज्यादा असर नहीं होगा। डॉक्टर साहब आप ऐसा बोलोगे तो कैसे होगा? मैं वही बोल रहा हूँ जो समर सिंह जी का शरीर बता रहा है। ये बात सुनकर लक्ष्मी रोने लगती है। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और अब सुहानी बहुत सोच में पड़ जाती है, मगर उसे उसका फर्ज निभाना था। वो थोड़े थोड़े करके पैसे जमा करने लगी। समर सिंह की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया, ऐसे ही एक दिन उनकी हालत बहुत खराब हो गई। सुहानी बेटा सरपंच जी को बुला कर लाओ। जी पिताजी अभी बुला कर लाती हूँ। सुहानी सरपंच जी को अपने घर ले आती है। अरे बोलो ना समर सिंह, तुमने बुलाया? सरपंच जी मेरे जाने के बाद मेरे परिवार की जिम्मेदारी आपकी है, मेरी सुहानी का ख्याल रखना। अरे सुहानी तो मेरी भी बिटिया है, जब तक मुझमें जान है तब तक मैं उसका ध्यान रखूंगा, तू चिंता मत कर। सरपंच जी की ये बात सुनकर समर सिंह अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, वो भी हमेशा के लिए। सुहानी और लक्ष्मी जोर जोर से रोने लगती है। सुहानी अपने भाई को बुलाने के लिए उनके पुराने घर जाती है। भैया जो भी हुआ वो छोड़ दो, पिताजी का देहांत हो गया है, अब घर चलो। वो तो मेरे लिए बंटवारे के दिन ही मर गए थे। अपने भाई की ये बात सुनकर सुहानी चुपचाप अपने घर वापस लौट आई। उसने अकेले ही अपने पिताजी का सारा विधि किया। पिता के जाने के बाद सुहानी बहुत अकेली पड़ गई। धीरे धीरे उसकी माँ लक्ष्मी भी बीमार होने लगी, वो खाना भी नहीं खा रही थी।
ऐसे ही एक दिन सुहानी ने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, खाना तो अच्छी तरह से खाया करो, नहीं तो और बीमार पड़ जाओगी। अरे, और जीकर करना भी क्या है, तुम्हें देख के ही जी रही हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह सुहानी उठकर काम करने में जुट गई और काम खत्म करने के बाद अपने माँ को उठाने के लिए गई, लेकिन उसकी माँ दुनिया से चल बसी थी। माँ, माँ। सुहानी ने सरपंच की मदद से अपनी माँ का अंतिम विधि किया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन, सरपंच जी, आपने मेरी माँ और पिताजी के जाने के बाद जो भी खर्चा किया उसकी मैं देनदार हूँ, आप मुझे बताइए कि कितना खर्चा हुआ है। बेटी, कुल मिलाकर लगभग 5,000 हुए होंगे। ठीक है, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। सुहानी सरपंच जी के पैसे चुकाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगी। अंत में जैसे तैसे करके उसने 5,000 रुपए जमा कर लिए। वो पैसे लेकर वो सरपंच जी के पास आई। सरपंच जी, आज से मैं आपके पैसों के ऋण से मुक्त हो जाऊंगी। हाँ सुहानी। सुहानी बेटी, एक बात मानोगी मेरी? बताइए ना, पिताजी जाने के बाद मैंने आपकी कोई बात टाली है जो अब ना मानूंगी? मेरे भाई का लड़का है, बहुत होनहार और बहुत काबिल है। मेरी इच्छा है कि तुम उसके साथ शादी कर लो। ऐसे कितने दिन अकेले रहोगी? जी, आप मेरे पिताजी के समान हैं। आपने जो भी निर्णय लिया होगा मेरे अच्छे के लिए ही होगा, मुझे मंजूर है। सरपंच जी ने सुहानी की शादी बड़े धूमधाम से कर दी और अब सुहानी अपने नए ससुराल में हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, अगर सही अवसर मिले तो हर कोई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा सकता है। जमशेदपुर नाम के राज्य में राम नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी दूसरी पत्नी रजनी और पहली पत्नी की बेटी राधा और रजनी की बेटी दिशा घर में रहा करती थी। राम कड़ी मेहनत किया करता था। पत्नी रजनी उसकी बेटी दिशा का अच्छा लालन पोषण किया करती थी, लेकिन राधा का हमेशा तिरस्कार करती थी क्योंकि वो सौतेली लड़की थी। ये बात राम की नजर में आती, मगर वो कुछ बोलता तो दोनों के बीच हमेशा झगड़ा हो जाता और ये बात राधा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अपने पिता को हमेशा समझाती और उन्हें चुप रहने कहती। आप मेरे साथ हो ना, फिर माँ से क्यों झगड़ा करते हो? अरे, वो तुमसे सौतेला व्यवहार करती है, उसे अकल नहीं है कि तुम कितनी अच्छी हो। आप माँ से लड़ते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, नहीं लड़ूंगा, ठीक है। कुछ दिनों बाद राम जंगल में लकड़ियां तोड़ने जाता है। बारिश का मौसम होता है। जंगल जाने के बाद जोर की बारिश होने लगती है, बिजलियां कड़कने लगती है और दुर्भाग्य से एक कड़कती बिजली राम के ऊपर गिरकर राम की मौत हो जाती है। अब उसके परिवार को चलाने के लिए कोई नहीं रहता और सारी जिम्मेदारी राधा के सिर पर आ जाती है। राधा अब घर के सारे काम करने लगी और बाहर कुछ काम मिले तो वो भी करने लगी। इस सब के बावजूद रजनी उससे सौतेला व्यवहार ही करती थी, लेकिन बेचारी राधा चुपचाप घर के सारे काम किया करती थी। काम करते समय अगर उससे कुछ गलती हो गई तो उसकी माँ उसे सजा देती थी। ऐसे ही एक दिन राधा आंगन में काम कर रही थी, उसकी माँ ने उसे आवाज दिया। अरे ओ राधा, कहाँ मर गई, ये काम कौन करेगा? आई माँ। अरे जल्दी आ, क्या कर रही है? हाँ माँ, बोलो क्या काम है? ये यहाँ पड़े कपड़े ऐसे ही पड़े रहने देने वाली है क्या? तुझे कपड़े नहीं धोने हैं क्या? जी माँ, वो रह गया, अभी करती हूँ। राधा अब कपड़े धोने बैठती है और कपड़े धोते धोते बहुत रोने लगती है। कपड़े धोने के बाद वो घर में चली जाती है। घर में जाते ही रजनी उसे बहुत भला बुरा कहती है। इतनी देर काम कर रही हो, जैसे तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत काम देती है। अब जल्दी जल्दी खाना बनाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना बनाओ। अब दिशा और रजनी एक जगह बैठकर गप्पे मारने लगते हैं और कुछ काम नहीं करते। ये सब देखकर राधा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपना काम चुपचाप करने लगती है। ऐसे ही एक दिन राधा आंगन में कुछ लकड़ियां काट रही थी और तभी उसके हाथ में चोट लग गई। वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ और उसकी बहन वहाँ आई। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? उसके हाथ में खून देख दिशा बोलती है, दीदी को कुछ लगा है? अरे कुछ नहीं हुआ है, काम करने में उतनी छूट मिल जाती है, इसीलिए ये नाटक कर रही है। और ऐसा कहकर रजनी वहाँ से चली जाती है, लेकिन दिशा उसे हल्दी लगाती है। धन्यवाद दिशा। अब दिशा वहाँ से चली जाती है और राधा अपनी माँ की याद निकाल कर रोने लगती है। अगले दिन राधा फिर से काम करने लगती है। उसके हाथ में बहुत दर्द होता है, फिर भी वो काम करती ही रहती है। वो कुएं में से पानी निकालने जाती है और गलती से उसके हाथ से बाल्टी पानी में गिर जाती है। जोर से आवाज होती है। वो आवाज सुनकर रजनी बाहर आती है। क्या हुआ कलमुही, अब क्या नुकसान किया तूने? मेरा तो तू नुकसान ही कर रही है। कुछ नहीं माँ, हाथ से बाल्टी गिर गई और कर नुकसान। जा चल,
बाल्टी निकाल कर ला। मुझे तैरना नहीं आता माँ, मुझे डर लगता है पानी से, मैं नहीं जाऊंगी। तू मुझे क्या पागल समझी है क्या? राधा बहुत रोने लगती है, फिर भी उसकी माँ उसे बहुत भला बुरा कहती है और अगर बाल्टी नहीं मिली तो घर में ना आने के लिए बोलती है। अब राधा के सामने कुएं में कूदने के अलावा कोई उपाय नहीं बचता। वो भगवान का नाम लेती है और एक रस्सी की मदद से कुएं में उतरने लगती है। वो बहुत गहराई तक पानी में उतरती है मगर उसे कोई बाल्टी नजर नहीं आती। वो और अंदर जाती है। अनजाने में वो एक सुंदर तालाब में आ जाती है। वो तालाब से बाहर निकलती है और उस तालाब के बाहर की दुनिया देखकर बहुत खुश हो जाती है। बाहर निकलने के बाद वहां के रास्ते पर उसे एक सेब का पेड़ दिखाई देता है जो रो रहा था। राधा उस पेड़ के पास जाती है और उससे बात करती है। हे सेब के पेड़, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? बेटी, मेरा ये पेड़ सेब के वजन से झुक गया है और मेरी टहनियां भी झुक गई है। इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम मुझ पर लगे इन सेब को निकालोगी? क्यों नहीं पेड़, मैं अभी निकाल देती हूँ। ऐसा कहकर राधा उस पेड़ से सारे सेब निकाल लेती है। अब वो पेड़ बहुत हल्का महसूस करता है और राधा से कहता है, धन्यवाद बेटी, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अब मुझे हल्का हल्का महसूस हो रहा है। बेटी, तुम अब इस रास्ते से आगे जाओ। राधा उस पेड़ को धन्यवाद देके आगे बढ़ती है। आगे बढ़कर उसे एक गाय दिखाई देती है जो लंगड़ कर चल रही थी। वो गाय लंगड़ते हुए उसके पास आई और राधा से कहा, बेटी क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर दोगी? हाँ करूंगी ना, बताओ क्या मदद करूँ मैं आपकी? मेरे पैर में कांटा चुभा है, क्या उसे निकाल दोगी? बहुत मदद होगी तुम्हारी। हाँ मैं निकाल देती हूँ। राधा गाय के पैर से कांटा निकाल देती है। कांटा निकालते ही गाय को बहुत अच्छा लगता है और गाय उसे आशीर्वाद देती है। मुझे मदद करने के लिए धन्यवाद। बेटी अब तुम आगे जा सकती हो, पर अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो तुम मुझे आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी। अब राधा उस गाय के बताए मुताबिक एक पहाड़ी पर चढ़ने लगती है। चढ़ते चढ़ते रास्ते में उसे एक जंगल लगता है जहाँ बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं। तभी एक चिड़िया उसके कंधे पर आकर बैठती है और उससे बातें करने लगती है। लड़की, तुम कहाँ से आई हो और यहाँ क्या कर रही हो? कुएं में मेरी बाल्टी गिर गई थी, इसीलिए उसे लाने के लिए मैं पानी में कूद गई और यहाँ आ पहुँची। यहाँ की दुनिया तो बड़ी ही अनोखी है। यहाँ के सारे प्राणी बोलते हैं क्या? हाँ, यहाँ के सारे जानवर बोल सकते हैं और अपने मुताबिक जी भी सकते हैं। इस जंगल को भगवान का आशीर्वाद मिला है, तुम अब आगे जाओ। ठीक है। अब चिड़िया जैसा बताती है वैसा ही राधा करती है। आगे जाकर उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है जो घास से बनी हुई थी। राधा उस झोपड़ी के पास जाती है और उसका दरवाजा ठकठकाती है। तभी अंदर से एक बूढ़ी दादी बाहर आती है। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? मैं इस जंगल में तालाब से आई हूँ और मुझे बहुत भूख भी लगी है, क्या आप मुझे कुछ खाने को दोगी? मैं तुम्हें खाना दूंगी, मगर उसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम करना होगा मुझे? तुम्हें घर की साफ सफाई करनी होगी और साथ ही साथ खाना भी बनाना होगा। हाँ मैं कर लूंगी दादी, मुझे ये सारे काम आते हैं। दादी मैं ये सारे काम करूंगी। दादी उसे खाने के लिए खाना देती है और राधा अब दादी के साथ ही उस झोपड़ी में रहने लगी। वो घर के सारे काम करने लगी और दादी को भी उससे लगाव होने लगा। ऐसे ही एक दिन राधा जंगल में घूम रही थी। वहां उसे एक सुंदर राजकुमार दिखाई दिया और देखते ही उसे वो पसंद आ गया। अब राधा बस उस राजकुमार के ही सपने देखने लगी। क्या सोच रही हो बेटी, तुम कुछ खोई खोई सी हो। दादी आज मैंने जंगल में एक राजकुमार को देखा जो बहुत ही खूबसूरत है। बेटी वो इस राज्य के राजा का बेटा है, वो बहुत ही दयालु और दिलदार है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राधा को अपने माँ की बहुत याद आने लगती है। वो ये बात दादी को बताती है और दादी उसे एक झरने के पास लेकर जाती है। राधा बेटी तुम इस झरने से तुम्हारे घर पहुँच जाओगी, ये लो तुम्हारी बाल्टी, ये तो सोने से भरी हुई है। राधा झरने के नीचे खड़ी रहती है और उसके बदन पर सोने के आभूषण आ जाते हैं। दादी ये किसके लिए है? ये सब तुम्हारे लिए है, अब ये झरना तुम्हें तुम्हारे घर तक ले जाएगा। ऐसा कहते ही राधा वहाँ से गायब हो गई और अपने माँ के घर लौट आई। माँ माँ देखो, ये तो राधा है ना, इसके बदन पर कितने आभूषण है, देखो सब सोने के लगते है। रजनी भी वहाँ आ जाती है और राधा से पूछताछ करती है। राधा सब सच बता देती है। अब उसकी माँ लालच में आकर अपनी बेटी दिशा से कहती है, बेटा दिशा तू भी उस कुएं से उस जंगल में जा और जल्दी से सोना लेकर आ। जी माँ अभी जाती हूँ। अब दिशा उस कुएं में कूद जाती है
और तालाब से बाहर निकलती है। वो राधा ने बताए हुए रास्ते पर चलने लगती है। उसे भी रास्ते में वो सेब का पेड़ दिखाई देता है। बेटी, मेरे पेड़ के सेब निकाल दोगी? मुझे सोना चाहिए, मैं तुम्हारे पेड़ के सेब तोड़ने नहीं आई हूँ। ऐसा कह के दिशा उस पेड़ को वैसा ही छोड़ के आगे चली जाती है। तब आगे उसे रास्ते पर वो लंगड़ी गाय मिलती है। गाय उससे कहती है, बेटी क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर दोगी? मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ सोना लेने आई हूँ। ऐसा कह के दिशा वहाँ से भी चली जाती है। आगे जाकर उसे वो घना जंगल लगता है और उसके कंधे पर वही चिड़िया आकर बैठती है। दिशा गुस्से से उस चिड़िया को पकड़कर फेंक देती है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाती है। चिड़िया उससे कहती है, घमंडी लड़की, तूने मुझे जख्मी क्यों किया? मैं यहाँ तुम्हें जख्मी करने या तुमसे बात करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ सोना लेने आई हूँ। ऐसा कह के दिशा आगे चली जाती है। अब उसे पहाड़ी पर वो झोपड़ी दिखाई देती है। वो जल्दी जल्दी में उस झोपड़ी के पास जाती है और दादी को आवाज देती है, दादी, ओ दादी, कहाँ हो आप? अब दादी झोपड़ी से बाहर आती है और उसे देखकर बोलती है, कौन हो तुम बेटी? मैं राधा की बहन हूँ दादी, मैं यहाँ सोना लेने आई हूँ। अरे तुम राधा की बहन हो, आओ अंदर आओ। नहीं दादी, मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ सोना लेने आई हूँ। अरे राधा ने मेरे घर के सारे काम किए थे। मुझे वो सारे काम नहीं आते, मुझे सिर्फ सोना चाहिए। आप मुझे जल्दी से सोना दे दो, मुझे मेरे माँ के पास भी जाना है। तुम्हें बहुत जल्दी है जाने की। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ आओ और इस झरने के नीचे खड़ी रहो। दादी जैसे कहती है वैसा ही दिशा करती है और झरने के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। तभी झरने का पानी दिशा के शरीर पर पड़ने लगता है और दिशा का रंग पूरा काला हो जाता है। अब वो उसका रंग देखकर दादी से बोलती है, दादी झरने के पानी से मेरा रंग काला क्यों हो गया? मुझे सोना चाहिए, ये काला रंग नहीं। जिसका मन जैसा, ये झरना उसको वैसा ही फल देता है। राधा का मन साफ था, इसलिए उसको सोना मिला, और तुम सिर्फ अपने ही बारे में सोचती रहती हो, इसलिए तुम्हें इस जादुई झरने ने काला रंग दिया है। अब ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम चाहो तो इस झरने से घर जा सकती हो। अब दिशा रोते हुए अपने घर पहुँच जाती है और घर पहुँचते ही अपने माँ से कहती है, माँ देखो, उस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। कौन हो तुम और ये दिशा जैसी आवाज कहाँ से आ रही है? अरे माँ, मैं दिशा ही हूँ, मेरा रंग काला हो गया है उस दुनिया में जाके। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कलमू ही राधा तो इतना सोना लेकर आई और तुम ये काला रंग लेकर आई हो? अरे ओ राधा, कहाँ मर गई? जी माँ, आपने बुलाया? तूने मेरी दिशा को झूठ मूठ का बताया था ना? नहीं माँ, मैंने तो सही सही बताया था, ये ऐसा कैसे हुआ मुझे नहीं पता। अब रजनी उसकी बेटी के साथ ऐसा होने के बाद राधा से और बुरा व्यवहार करने लगी। वो अब दिन रात राधा से काम करवाने लगी। राधा का सारा सोना उसने अपने पास रख लिया और राधा को रोज परेशान करने लगी। ऐसे ही एक दिन राधा उस दुनिया के वो सुनहरे पल याद कर रो रही थी। उसे वो गाय, वो पंछी और दादी, इन सब की याद आ रही थी। राधा को उस राजकुमार की भी बहुत याद आ रही थी। अब राधा ने तय किया कि उसे उस दुनिया में वापस जाना है। राधा ने उस गाय को आवाज दी, हे जादुई गाय, क्या तुम सुन सकती हो? मुझे यहाँ से ले जाओ। अब वो जादुई गाय वहाँ आ जाती है और तभी, क्या हुआ है बेटी, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या आप मुझे आपकी दुनिया में ले जा सकती हो हमेशा के लिए? हाँ बेटी, ले जा सकती हूँ, चलो चलते हैं। तुम मेरी पीठ पर बैठो, हम वहाँ चले जाएंगे। राधा उस गाय की पीठ पर बैठकर उस जादुई दुनिया में वापस चली जाती है। अब गाय उसे उस जंगल में लेकर जाती है। वो जंगल एक बड़े नगर में परिवर्तित हो गया था। उसके बाद गाय उसे पहाड़ी पर लेकर जाती है, जहाँ बूढ़ी दादी रहती थी। अब उस दादी की झोपड़ी की जगह एक बड़ा राजमहल था और वो दादी वहाँ की महारानी थी। दादी, ये सब ऐसा कैसे हो गया? राधा, ये एक बहुत बड़ा नगर है जहाँ हम सब रहते हैं। जब कोई अनजान आता है तो उसके लिए ये जंगल बन जाता है। क्या हुआ राधा, तुम ऐसे अचानक यहाँ कैसे आई? मेरी माँ मुझे बहुत परेशान करती है, मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा आप ही के पास रहूँ। मेरे बाबा जाने के बाद आप ही ने मुझे इतना प्यार किया है, आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है, इसी वजह से मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। ठीक है, तुम यहाँ हमेशा के लिए रह सकती हो राधा, तुम्हारा अच्छा स्वभाव हमें बहुत पसंद आया, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे राजकुमार से शादी कर लो और हमेशा के लिए इस राज्य में राज करो। मगर मैं कैसे दादी? क्यों, तुम्हें पिछली बार राजकुमार पसंद आया था ना, वो राजकुमार मेरा पुत्र है, क्या तुम उससे शादी करना चाहोगी? हाँ। दादी अपने पुत्र को राधा से मिलाती है
और उस राजकुमार को भी राधा देखते ही पसंद आ जाती है। अब उन दोनों की शादी धूमधाम से होती है और राधा उस नगर की महारानी बन जाती है और खुशी खुशी उस राज्य में अपना जीवन व्यतीत करती है।